हेलो स्टूडेंट्स, आई एम महिपाल स्वामी, वर्किंग एज पीजीटी फिजिक्स इन केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 बीकानेर। आप सभी का फिजिक्स ड्रिफ्ट एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम क्लास 12th के सिलेबस और चैप्टर 1st की रिगार्डिंग बात करेंगे। स्टूडेंट, मेरे जो आगे के जो वीडियो होंगे वो बिल्कुल चैप्टर वाइज होंगे और हर चैप्टर को भी हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे क्लास 12th का लेटेस्ट सिलेबस। स्टूडेंट, जैसा कि आपको दिख रहा है, हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा और जो 30 मार्क्स है वो प्रैक्टिकल के होंगे। दोनों में सेपरेट पास होना होता है हमें। हमारे जो फर्स्ट 2 यूनिट है वो दोनों यूनिट मिला के 16 मार्क्स कवर करती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो दोनों यूनिट है इसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और हमारे जो 6 to 7 प्रैक्टिकल भी इन 2 यूनिट में से कवर होते हैं, स्पेशली यूनिट 2। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो आज का वीडियो होगा वो चैप्टर 1 से रिलेटेड होगा। चैप्टर 1 में भी जो हम आज करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। तो आइए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ और मेथड ऑफ चार्जिंग, इन 3 टॉपिक को कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आर फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्जेस एट रेस्ट एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है फिजिक्स की, वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस की स्टडी करते हैं, चार्जेस के इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं, लेकिन चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए। ये स्टैटिक वर्ड का मीनिंग यही है, जिसमें मोशन ना हो, स्टेबल हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच हुई जिसमें हम चार्ज की स्टडी करेंगे, लेकिन चार्ज क्या होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं चार्ज क्या है, व्हाट इज़ चार्ज। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड चार्ज। यानी चार्ज एक प्रॉपर्टी है, ये वो प्रॉपर्टी है जिस वजह से किसी मैटर में इलेक्ट्रिक फोर्स राइज होता है। ओके स्टूडेंट्स, या फिर हमारे पास एक और डेफिनेशन है जिसको हम पढ़ सकते हैं, तो इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी ये वो प्रॉपर्टी है जिससे हमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और पढ़ते हैं चार्ज की कुछ और इम्पोर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट इज, चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज चार्ज हैज़ नो डायरेक्शन बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर्टी, सो वी कैन से दैट चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, एंड इट्स फॉर्मूला इज चार्ज इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। हमने छोटी क्लासों में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो दिस मीन्स क्यू इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायमेंशन। अगर हम बात करें चार्ज के डायमेंशन की, तो यहाँ पर करंट और टाइम दो क्वांटिटीज आ रही है चार्ज में। तो करंट है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उसमें m0 मास नहीं है, लेंथ भी नहीं है यहाँ पे, और t1 a1 दोनों हमारे डायमेंशन फॉर्मूला में इंक्लूड होंगे क्योंकि ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं चार्ज के यूनिट के बारे में कि चार्ज की यूनिट क्या है। तो चार्ज की जो SI यूनिट है वो है कूलम, जिसको आप एम्पीयर इनटू सेकंड भी बोल सकते हो, क्योंकि एम्पीयर इनटू सेकंड बिकॉज क्यू इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय टी। इसी तरह से चार्ज की और जो कूलम है, कूलम को हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। कूलम को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल सी से कूलम। इसी तरह से चार्ज की जो दूसरी CGS यूनिट है वो है ESU। ESU का मीनिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये CGS यूनिट है इसकी, और कूलम क्या थी, SI यूनिट, और ESU है उसकी CGS यूनिट। तो ESU का ही दूसरा नाम है फ्रैंकलिन, इसी को हम स्टेट कूलम भी बोलते हैं, और ये चार्ज की सबसे शॉर्टेस्ट यूनिट है, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है ये। जैसे ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, फ्रैंकलिन, स्टेट कूलम, ये एक के इसी के नाम है ESU के ही। इसी तरह से चार्ज की एक यूनिट और हम यूज़ करते हैं EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट,
इसको हम सीजीएस यूनिट तो नहीं कह सकते, चार्ज की ही एक बड़ी यूनिट है। और कितना चार्ज होता है हम बात करेंगे, कितनी कूलाम होता है। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी यूनिट पॉसिबल है, कौन कौन सी यूनिट हम यूज़ करते हैं। एक हुई एसआई यूनिट कूलाम, सेकेंड इज सीजीएस यूनिट ईएसयू या फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम, और थर्ड यूनिट है इसकी जी ईएमयू, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। इसी तरह से इसकी एक यूनिट और है फेराडे। अब हम बात करते हैं इन यूनिट्स का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। जैसे कूलम और एम्पियर इंटू सेकेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कूलम और एम्पियर इंटू सेकेंड में क्या रिलेशन है। तो वन कूलम इक्वल्स टू वन एम्पियर इंटू सेकेंड। एक कूलम और वन कूलम, वन एम्पियर इंटू सेकेंड, बोथ आर सेम थिंग, दोनों में ये रिलेशन होगा। अब हम बात करते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट ईएसयू फ्रैंकलिन स्टेट कूलम, क्योंकि ये भी सब सेम है, तो ये भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो वन ईएसयू इक्वल्स टू वन फ्रैंकलिन इक्वल्स टू वन स्टेट कूलम। अब हम बात करते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है, यानी हमारी एसआई यूनिट चार्ज की और सीजीएस यूनिट है, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। तो हम कहेंगे कि वन कूलम इक्वल्स टू थ्री इंटू टेन टू द पावर नाइन ईएसयू। एक कूलम चार्ज के अंदर इतने ईएसयू होंगे या इतने फ्रैंकलिन होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईएमयू में और कूलम में क्या रिलेशन है, ईएमयू में और कूलम में क्या रिलेशन है। मैंने बताया था ईएमयू सीजीएस यूनिट नहीं है चार्ज की, एक अदर यूनिट है जो हम यूज करते हैं। तो वन ईएमयू हैज 10 कूलम, एक ईएमयू में 10 कूलम चार्ज होंगे। तो इस तरह से हम एक कॉमन रिलेशन बना सकते हैं। कॉमन रिलेशन कुछ इस तरह से होगा कि वन ई एम यू इक्वल्स टू कितने चार्ज हुए, इसके कितने कूलम चार्ज हुए, 10 कूलम, और एक कूलम में 3 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 10 कूलम में 3 इंटू 10 टू द पावर 10 ई एस यू। तो ये सिंपल सा रिलेशन है जो हमें लर्न करना है। वन ई एम यू इक्वल्स टू 10 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 10 ई एस यू। और इसी तरह से हमारे एक लास्ट यूनिट फेराडे है, तो फेराडे में कितने कूलम होंगे, तो वन फेराड इक्वल्स टू 9,650 कूलम। ये भी चार्ज की बड़ी यूनिट है, और अब देखो स्टूडेंट, एक कॉमन रिलेशन बहुत बार हमें आ जाता है जो हमें ध्यान रखना है कि चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, हमारा आंसर होगा फेराडे। चार्ज की सबसे छोटे यूनिट है, हमारा आंसर होगा वन ईएसयू और वन ईएमयू एंड वन कूलम। तो ये रिलेशन है जो हमें ध्यान रखना है, यानी सबसे बड़ी यूनिट फेराडे, सबसे छोटी यूनिट ईएसयू। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि ईएमयू ईएसयू कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, कौन सी क्वांटिटी छोटी है। तो फ्रेंड्स, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, एम यहाँ पर एम एम मतलब मोटा, एस मतलब शॉर्ट, तो सबसे शॉर्टेस्ट यूनिट ईएसयू, सबसे मोटी नहीं, और एम मतलब मोटा, यानी आप यहाँ पे ये कंपेयर कर सकते हो कि ईएमयू और ईएसयू में कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, कौन सी क्वांटिटी छोटी है, जस्ट फॉर फन। तो स्टूडेंट, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस से पहले हम एक चीज़ और करते हैं कि किसी भी क्वांटिटी पे चार्ज क्रिएट कैसे होता है, चार्ज क्या चीज़ है। चार्ज क्रिएट होने का मेन रीज़न ये है कि अगर कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी बॉडी है, वो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है या इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, बस यहीं से ही चार्ज क्रिएट होता है। सपोज़ कोई बॉडी है इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो यानी इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर दैन नंबर ऑफ प्रोटॉन, हम क्या कहेंगे, वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है। इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसका मतलब हुआ हम ये कहेंगे बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम है, इसका मतलब बॉडी हमारी न्यूट्रल है। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी या एफिशिएंसी है बस। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस की, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, हमें सबको पता है ये चीज़। चार्ज स्केलर क्वांटिटी, ये भी हमने पढ़ लिया। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, यानी हम चार्ज को, चार्ज का जो नेचर होता है वो सिंपल एल्जेब्रिकली नेचर होता है,
मतलब क्या हो इसका? यानी कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर सपोज चार्ज है 2 कूलम प्लस 5 कूलम -3 कूलम, और हमें ये पूछा गया है कि इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है। तो हमें किसी भी वेक्टर एडिशन की जरूरत नहीं है, इनको ऐड करने के लिए हमें कोई वेक्टर एडिशन नहीं चाहिए, कोई एक नया लॉ नहीं चाहिए। जैसे हम सिंपल एलजेब्रा में छोटी क्लासों में करते आए हैं, बिल्कुल हमें वैसे करना है। +2 +5 +7 -3 यानी +4 कूलम, यानी उस चार्ज का, उस सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होगा वो होगा +4 कूलम। तो इसका मतलब हुआ कि एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ड्यू टू विच टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज ऑब्टेन बाय एल्जेब्रिकली सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्यू टोटल इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस जितने भी चार्ज उस सिस्टम पे है उसको सिंपली एल्जेब्रिकली हमें ऐड करना है। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, चार्जेस क्वांटाइज। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। क्वांटाइज का मीनिंग ये होता है, जैसे हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करते हैं, मतलब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो ये जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता, लगातार नहीं होता, बल्कि टुकड़ों की फॉर्म में होता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट। तो यानी आप एक सिंगल लाइन में इसको ऐसे याद कर सकते हो कि चार्ज का जो नेचर होता है, वो चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो कंटिन्यू ट्रांसफर नहीं होता, वो डिस्क्रीट ट्रांसफर होता है। नंबर वन, तो डिस्क्रीट ट्रांसफर होता है तो मतलब टुकड़ों के फॉर्म में होता है, तो वो जो छोटा टुकड़ा, जो सबसे छोटा टुकड़ा है उसको हम कहते हैं क्वांटा। तो क्वांटा क्या है? क्वांटा का मीनिंग है एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, यानी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये। यानी जब हम दो बॉडी की बात करते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो वो क्वांटा की फॉर्म में ट्रांसफर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ट्रांसफर होगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, उसके बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, न कि कंटिन्यूसली ट्रांसफर हो जाएंगे। और इस नेचर को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ, आप अगर आप इसकी डेफिनेशन नोट करना चाहो तो सर्च कर सकते हो, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ड्यू टू विच ऑल फ्री चार्जेज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और वो जो बेसिक यूनिट है वो क्वांटा होगी, जिसको आप इलेक्ट्रॉन से शो करते हो। तो मैथमेटिकली हम इस फॉर्मूला को डिनोट करेंगे, क्यू इक्वल्स टू एनी वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड एंड ई इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। क्यू इक्वल्स टू एनी, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज कंजर्व क्वांटिटी। चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जो कंजर्व रहती है, यानी इसका मतलब ये हुआ, जिस तरह से हमने कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया है, एक हमने एक सिस्टम लिया है, तो उस सिस्टम पर हम चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज उसका डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। हाँ, हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें चार्ज की वैल्यू किसी एक सिस्टम पे वो कांस्टेंट रहेगी, यानी सिग्मा क्यू समेशन क्यू इक्वल्स टू ऑलवेज कांस्टेंट। और इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से बोल सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। किसी सिस्टम पे जो चार्ज है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे। तो इस तरह से ये जो यहाँ पे जो हमने ये कुछ पॉइंट किए हैं, इन पॉइंट में से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, जो हमें, और इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, और हम न्यूमेरिकल करेंगे हमारे ये टॉपिक के बाद। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जांपल क्या है। जैसे आपने कहा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, जैसे मान लो कोई दो बॉडी है, हमने उन दोनों बॉडी को आपस में रब किया, तो रब करने से क्या होगा, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। यहाँ पर हमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दो बॉडी को रब करोगे और हर उन सभी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ बॉडी ऐसी होती है जो अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहती है, कुछ बॉडी ऐसी होती है जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है, केवल उन्हीं जब बॉडी को हम रब करेंगे तो चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो जिस बॉडी में चार्ज की कमी हो रही है, जो बॉडी चार्ज गेन कर रही है, जो बॉडी चार्ज गेन कर रही है उसके अंदर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसने चार्ज को लूज़ किया है वो
वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, और ये जो नेचर है इसको हम चार्ज की फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हुई है इलेक्ट्रिसिटी वाली, ये प्रोड्यूस हुई है फ्रिक्शन की वजह से, तो इसलिए इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। और ये किससे प्रोड्यूस होती है? जब हम दो बॉडी को रब करते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे सूटेबल बॉडी, दो बॉडी कैसी होनी चाहिए? सूटेबल होनी चाहिए, यानी किसी भी बॉडी, हर किसी बॉडी पे ये वाला फिनोमेना है वो लागू नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। अब जैसे हमने एक ग्लास रोड लिया है, और इस ग्लास रोड को अगर हम एक सिल्क के कपड़े से रब करते हैं, एक ग्लास रोड है, ग्लास रोड को सिंपल हमने सिल्क के कपड़े से रब किया, तो रब करने से हम देखते हैं कि सिल्क रोड पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह से अगर हमने जैसे एक एबोनाइट की छड़ ली है, एक तरह का प्लास्टिक है, और इसको हम फ्लेनल यानी कोई फर है, किसी कैट्स फर हुआ, उससे अगर हम इसको रब करते हैं, तो इसमें भी एबोनाइट पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस फर के पर, इस फ्लेनल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसी तरह से देखो, इलेक्ट्रॉन्स इन ग्लास आर लूजली बाउंड, ग्लास में इलेक्ट्रॉन वो लूजली बाउंड होते हैं, एंड देन द इलेक्ट्रॉन्स इन सिल्क, सिल्क के कंपेरिजन में, तो जब जैसे ही हम इन दोनों को रब करते हैं, रब करने से इलेक्ट्रॉन है वो ग्लास से सिल्क में ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए ग्लास में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह से एबोनाइट वाले एग्जाम्पल में होगा। अब हम कुछ ऐसे आपको एग्जाम्पल बताते हैं जो हमें, एक टेबल है, उस टेबल से हमें ये पता चल जाएगा, हमें लर्न करना है, लर्न करके रखना है इसमें, कि जैसे ये पेयर है, तो इस पेयर में अगर हम दोनों पेयर को रब करेंगे तो ग्लास में पॉजिटिव आएगा, सिल्क में नेगेटिव आएगा। इसी तरह से जैसे वूल है और एबोनाइट है, अगर हम इन दोनों को भी आपस में रब करते हैं तो एबोनाइट पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वूल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से ये भी ध्यान रखना है हमें कि ड्राई हेयर और कॉम वाला एग्जाम्पल, कॉम पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ड्राई हेयर पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसी तरह से चार्ज की एक प्रॉपर्टी और होती है फ्रेंड्स, कि चार्ज जो होता है वो इनवेरियंस होता है। इनवेरियंस का मीनिंग यहाँ पे ये है, चार्ज किसी मोशन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे क्यू स्टैटिक, कोई स्टैटिक बॉडी है, उस पे जितना चार्ज होगा उतना ही जब वो बॉडी मूव करेगी उतना चार्ज होगा, डायनेमिक। इसको बोलते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज, चार्ज मोशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर वो बॉडी रेस्ट पे हो, चाहे वही बॉडी मोशन में हो, चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। एक जैसे अगर हम बात करें, जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है या इलेक्ट्रॉन लूज करती है, तो उस बॉडी के मास में चेंज होगा। वो मास बहुत स्मॉल होता है, लेकिन मास में चेंज होता ही है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है या इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जितना मास होगा उतनी कमी होगी या उतना इंक्रीज होगा। तो हम बात करते हैं, मान लिया किसी कोई बॉडी है, उस बॉडी पर दो इलेक्ट्रॉन गेन किया, उस बॉडी ने कोई दो इलेक्ट्रॉन गेन किया, दो इलेक्ट्रॉन गेन करने से इस बॉडी के मास में कितना चेंज होगा? तो डेल्टा एम इज इक्वल्स टू एक इलेक्ट्रॉन का मास, सपोज एम ई, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आए? दो इलेक्ट्रॉन आए, तो इस बॉडी के मास में कितना चेंज होगा? टू एम ई। तो इसी तरह से अगर हम इस फॉर्मूला को जनरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं, तो डेल्टा एम, ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू एन इंटू एम ई। तो किसी बॉडी पे जितने भी चार्ज ट्रांसफर हुए हैं उसको मल्टीप्लाई बाय, हम दैट इज मल्टीप्लाई बाय एम ई, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10^-31 kg, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इससे हमारे पास आ जाएगा कि चेंज इन मास, मास में कितना चेंज हुआ है ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर। चलो आगे पढ़ते हैं हम। चार्ज इज ऑलवेज लिंक टू द मास, जो चार्ज है वो हमेशा मास से लिंक होता है। इसका मतलब ये है, अगर कहीं पर भी चार्ज है, किसी भी बॉडी पर चार्ज है, इसका मतलब चार्ज के साथ में मास भी है, वहां पर कोई ना कोई मास है। ये वाला जो टॉपिक है वो हमारे पूरे इस पूरे बुक में चलेगा, जो हमें ध्यान रखना है। अगर चार्ज रेस्ट पे है, यानी वी इज इक्वल्स टू जीरो, वो मूव नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर जो फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसकी हम बात करेंगे आगे, हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस। अब हम करते हैं चार्ज रेस्ट पे, अब चार्ज अगर मान लो मोशन करने लग जाए, तो अब चार्ज मोशन कर रहा है, लेकिन मोशन कुछ इस तरह से कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी उसका एक्सेलरेशन जीरो है। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे, क्लियर।
और थर्ड है, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन मोशन में है लेकिन इस बार वो उसकी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी नहीं है, यानी वो एक्सेलरेटेड मोशन है। थर्ड हुआ अगर बॉडी में एक्सेलरेशन है, सॉरी चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे चैप्टर नंबर 8 में है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे आपने बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पता है, हम डेली डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, जैसे हमारा रिमोट कंट्रोल है उसके अंदर इंफ्रारेड वेव होती है, इसी तरह से माइक्रोवेव, रेडियो वेव, तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यानी यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मोशन में है विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी तब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे, और अगर चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रो। नाउ द सेंसिटिव डिवाइस विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई वेदर द बॉडी इज चार्ज और नॉट, यानी कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं ये चेक करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस को हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। जनरली लैब्स के अंदर एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसको GLE आपने नाम सुना होगा, एक्चुअल में गोल्ड है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप GLE, जो हमारे आगे के जो लेक्चर होंगे, वीडियोस होंगे, उसके अंदर मैं जब एक्सपेरिमेंट वाला सेशन करूँगा तो मैं वहाँ पर आपको GLE भी शो करूँगा। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, मेथड ऑफ चार्जिंग, कि चार्ज करने के क्या क्या मेथड है। तो उसमें से एक मेथड हमने अभी भी किया है, कौन सा, बाय फ्रिक्शन, कि जब दो बॉडी को रब करते हैं, रब करने से चार्ज क्रिएट होता है, एक बॉडी जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, जो लूज करेगी उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको हम कहेंगे बाय फ्रिक्शन। यानी चार्जिंग हो रही है यहाँ पे, चार्जिंग किससे हुई, बाय फ्रिक्शन। हमारा जो सेकेंड मेथड है वो है बाय कंडक्शन, कि कंडक्शन से हम चार्जिंग किस तरह से करेंगे। तो यहाँ कंडक्शन से चार्जिंग करने का मीनिंग ये हुआ कि जब भी दो बॉडी को हम पास में रखते हैं, यानी आपस में कॉन्टैक्ट में रखते हैं, तो कॉन्टैक्ट में रखने से उस बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, जो एक अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, इस मेथड को हम कंडक्शन कहते हैं। यानी आप ऐसे समझ सकते हो, बॉडी कैन बी चार्ज बाय पुटिंग इन कॉन्टैक्ट विद अदर चार्ज। हम दो बॉडी को आपस में कांटेक्ट में रख रहे हैं, ये कांटेक्ट या तो डायरेक्टली होगा, यानी दोनों को आपस में साथ में रख लेंगे, या फिर बाय मीन्स ऑफ अ कंडक्टर या किसी तीसरे कंडक्टर की हेल्प से होगा। जैसे एक ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, दोनों को आपस में कांटेक्ट में कर दिया, या फिर ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, हमने किसी वायर की हेल्प से दोनों को जोड़ दिया। तो ये वाला जो मेथड हुआ, इस मेथड से जो चार्ज ट्रांसफर होगा उसको हम कहेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। इज इट क्लियर? जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको ये वाला एकदम डाउट क्लियर हो जाए। जैसे हमने दो बॉडी एज्यूम किए यहाँ पर, एक बॉडी है ए और इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और सेकंड बॉडी है बॉडी बी और ये बॉडी अनचार्ज है। सपोज़ इसके ऊपर चार्ज क्यू है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि दोनों बॉडी में चार्ज जो है, सॉरी जो रेडियस है वो सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, साइज सेम है। अब हमने इन दोनों बॉडी को आपस में टच किया, आपस में दोनों को कॉन्टैक्ट में लेकर आए, तो कॉन्टैक्ट में लाने से क्या होगा, इस बॉडी में जो चार्ज है वो इस बॉडी में भी ट्रांसफर होंगे, दोनों को हमने आपस में कॉन्टैक्ट में लेकर आए हैं, तो इस वजह से। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस ये जो हमारा सिस्टम बना है, इस सिस्टम का टोटल चार्ज अभी भी कितना रहेगा, क्यू रहेगा, क्योंकि पहले बॉडी ए पे चार्ज क्यू था, बॉडी बी पे जीरो था, तो टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू। अब हम इन दोनों बॉडी को अलग अलग कर रहे हैं, इन दोनों बॉडी को जब आप अलग अलग करोगे तो इस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, क्यू बाय टू, और इस बॉडी पर भी कितना चार्ज आ जाएगा, क्यू बाय टू। ये सेम चार्ज इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि दोनों का बॉडी का जो साइज है वो सेम है, रेडियस है वो सेम है, इसलिए अब दोनों पे सेम चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब हम जिसमें हम दो बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट साइज की अगर हम बॉडी एज्यूम करते हैं तो उसमें क्या होगा, सपोज एक हमने ये साइज लिया है बॉडी का और एक ये साइज लिया है, और इसके अंदर क्यू वन चार्ज है और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज बॉडी है, और अब इन दोनों बॉडी को हमने आपस में कॉन्टैक्ट में लेकर आए हम, तो कॉन्टैक्ट में लाने से चार्ज ट्रांसफ़र होगा, चार्ज ट्रांसफ़र होगा, चार्ज ट्रांसफ़र होगा, और चार्ज, लेकिन जो टोटल चार्ज होगा वो अभी भी कितना होगा, Q1 होगा,
और जब हम इन दोनों बॉडी को सेपरेट करेंगे, जब हम इन दोनों बॉडी को सेपरेट करेंगे तो अब इस पर कितना चार्ज होगा? लेट अस अज्यूम इस पर क्यू वन डैश चार्ज है, इस पर क्यू टू डैश चार्ज है, और जिस बॉडी का साइज ज़्यादा होगा उस बॉडी पे ट्रांसफर चार्ज उस पर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जिस बॉडी का साइज कम होगा उस बॉडी पे चार्ज की वैल्यू कम होगी। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखना कि क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश जो होगा वो क्यू वन के इक्वल ही होगा, ठीक है। अब तो अब हम चलते हैं हमारे तीसरे मेथड की तरफ चार्जिंग के, जिसको हम कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। इन दिस चार्जिंग अ चार्ज बॉडी इंड्यूस सम चार्ज ऑफ अपोजिट साइन टू अनदर बॉडी विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। यानी इसमें भी दो बॉडी का दो जो दूसरी बॉडी पे है वो चार्ज ट्रांसफर होगा, लेकिन बिना किसी कॉन्टैक्ट के। अब ये कैसे पॉसिबल है हम देखते हैं। जैसे हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने यहाँ पर एक बॉडी लिया है और ये अनचार्ज्ड बॉडी है, बॉडी ए है और ये क्या है, अनचार्ज है, क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा केस वन है। और अब हम क्या इसके पास में एक दूसरी बॉडी लेकर आ रहे हैं, और ये जैसे मान लो हम ग्लास रोड है और इस ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज है और इसको हम इसके पास लेकर आ रहे हैं। जब हम इस ग्लास रोड को इस अनचार्ज बॉडी के पास लेकर आएंगे, जैसे केस नंबर टू हमारा ये हुआ, ये चार्ज ग्लास रोड है और इस ग्लास रोड को हम इस चार्ज बॉडी के पास में लेकर आ गए, तो पास में लाने से क्या होगा, ये जो चार्ज, ये अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी से यहाँ पर इंडक्शन की वजह से इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है। अब हम हमारे थर्ड केस में क्या करते हैं, थर्ड केस में हम इसी वाले कंडक्टर को, इस वाले कंडक्टर को, ये अभी भी इसके पास में है, और इसको ग्राउंड कर देते हैं। तो ग्राउंड करने से क्या होगा, जो एक्सेस चार्ज है यहाँ पर, ये वाला जो चार्ज है, ये सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। और अब इस कंडक्टर पे, और हमने क्या किया, अब इस ग्लास रोड को हटा लिया, ग्लास रोड को हटाने से अब जो हमारे पास बॉडी ए है, इस बॉडी पर केवल और केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो ये जो मेथड हुआ है, इस मेथड में हमने ग्लास रोड को और इस ऑब्जेक्ट को आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं लिया है, इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज इंड्यूस हुआ है, इसकी वजह से इस बॉडी में चार्ज इंड्यूस हुआ है, इसलिए हम इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसी तरह से आप इसका रिवर्स केस भी बोल सकते हो, यानी जैसे आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव रोड पास में लेकर आए हो, आप इस तरह से नेगेटिव रोड भी पास लेकर आ सकते हो, तो लास्ट में क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, इस पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इस तरह से ये तीन मेथड थे चार्जिंग के। और इसी के साथ जो हमारे तीन टॉपिक जो हमने लिए थे वो तीनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। हमारा पहला टॉपिक था चार्ज, सेकंड टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, ये भी हमने किया है बहुत अच्छे तरीके से, और थर्ड था मेथड ऑफ चार्जिंग। तो स्टूडेंट, आज के हमारे तीनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है, और अगर फिर भी इन टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। ऑलवेज गिव योर बेस्ट, वर्क हार्ड एंड टेक केयर।